आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आलू के परांठे की रेसिपी। हम इसे बहुत ही आसान तरीके से 5 मिनट में बना के तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छी और छोटी सी रेसिपी है। तो ये परांठे अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं और काफ़ी समय तक सॉफ्ट बने रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार कच्चे आलू का परांठा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं। ये आलू हैं जो पूरी तरह से कच्चा है। इनका छिलका निकालने के बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इस तरीके से एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं, आप चाहे तो मिक्सर बाउल ले सकते हैं। इसे हम ग्रेट करेंगे। इसे ग्रेट करने के लिए हम यहाँ पे बारीक होल का ग्रेटर यूज करेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बड़े होल वाले ग्रेटर का यूज भी कर सकते हो, लेकिन बारीक होल वाले ग्रेटर का यूज करोगे तो लंबे समय तक परांठे सॉफ्ट बने रहेंगे। अब मैंने दोनों आलू को कद्दूकस कर लिया है। इन आलुओं को कद्दूकस करने के बाद हमें इन्हें वॉश नहीं करना है। बहुत देर तक आपको इसे ऐसे ही नहीं छोड़ रहा है। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो ये अपना कलर चेंज कर लेंगे और काले होने लगेंगे। फटाफट इसमें मिला देते हैं 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से बना रहे हो तो हेल्दी रहेगा। आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हो। 1 बार चम्मच से इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, यानी कि इसे मिक्स कर देते हैं। इस तरह से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। पूरी तरह से गूंदने की ज़रूरत नहीं है अभी इसे, क्योंकि पूरी तरह गूंदने से पहले इसमें हमने ऐड करने हैं थोड़े से मसाले। इस तरह हल्के हाथों से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास नहीं है तो लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। तो 1 चम्मच में डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन को इस तरह क्रश करके डालिए। अजवाइन की जो खुशबू है वो पराठे में बहुत अच्छे से आती है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसे स्किप कर सकते हो, काली मिर्च डाल सकते हो आप। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है जिसको बारीक काट के डाला है। इसी के साथ हम डाल रहे हैं बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियाँ। हरे धनिया की पत्तियाँ कुछ ज़्यादा डालें, इससे पराठे की लुक अच्छी आती है। और हम इसमें डाल देते हैं 1/2 कप गेहूं का आटा। और यानी कि हमने डाल दिया गेहूं का आटा 1.5 कप, 1 कप पहले डाला था और 1/2 कप अब डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके इसका डोल लगा के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो डो लगाने के लिए हमें यहाँ पर पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, इसे ऐसे ही डो लगाना है। तो इसमें जो गेहूं का आटा है ना, जो आवश्यकता अनुसार ही लगेगा। कई बार क्या होता है, आलू छोटे बड़े होते हैं, आलू कितना पानी छोड़ते हैं उस पर भी आटा डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए 1.25 कप गेहूं का आटा लगा है इस डो को लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा डो लगा के मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच ऑयल। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बढ़िया से चिकना हो जाए। परफेक्ट डो हमारा लग के तैयार हो गया है। इसे हम कवर कर देते हैं और कवर करके हमें इसे 4 से 5 मिनट हम छोड़ देते हैं। अगर आप जल्दी में हो तो इसे कवर करने की भी ज़रूरत नहीं, आप फटाफट परांठे बना कर तैयार कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, इस डो में से हम एक पेड़ा बना लेते हैं। रोटी से इसे थोड़ा बड़ा रखना, क्योंकि यहाँ पे हम इसके पराठे बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस साइज़ का पेड़ा बना के मैंने रख लिया है। तो चलिए अब बारी है इसे बेलने की। बेलने से पहले सूखे आटे में से एक बार डस्ट कर लीजिए ताकि ये चिपके नहीं है। अब इसकी हम एक रोटी बना लेंगे। फटाफट बनने वाले परांठे हैं ये। जैसे हम आलू के परांठे बनाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। आलू के परांठे में उसका छिलका उतारो, उसमें छौंका लगाओ, ऐसे वैसे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन ये जो पराठा है ना, 5 से 4 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने रोटी पे लगा दिया देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल लगा सकते हो या फिर बटर भी लगा सकते हो। अब एक बार इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी और लगा देते हैं ताकि अंदर से इसके पर्दे बढ़िया से खुलें। तो एक बार फिर से इसे हम फोल्ड कर देते हैं, जैसे गेहूं के आटे का हम सादा पराठा बनाते हैं ना, बस उसी तरह बना रही हूँ। आप चाहो तो इसे गोल बना सकते हैं, या कोई और शेप आपको पसंद है उसी तरह भी आप बना सकते हो। सूखे आटे में डिप करेंगे और इसे हम बेल लेंगे। तो इसे मैं बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रख रही हूँ, मीडियम साइज़ का बना रही हूँ।
इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़े से काले तिल। आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल सकती हूँ ताकि पराठा हमारा दिखने में बढ़िया लगे। अब हल्के हाथों से थोड़ा सा बेलन फिर से चला देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इतना मोटा मैंने इसे रखा है। अब चलिए बारी इसे सेकने की। तवे को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। इसके अब पराठा डाल देते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। इसकी एक साइड तैयार हो जाए तो पलट कर हम इस पर लगा देते हैं बढ़िया सा देसी घी अच्छे से। आप बटर का भी यूज़ कर सकते हो। आपको गार्लिक का टेस्ट पसंद हो ना, यानी कि लहसुन का पेस्ट भी आप इसमें डाल सकते हो। तो देखिए हमारा कितना बढ़िया परांठा सका है और लग रहा है ना कितना मज़ेदार। आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आपको इसका टेस्ट आलू के परांठे जैसा ही आएगा, लेकिन इसका टेस्ट अलग आएगा, लेकिन लगेगा ये बहुत ही मज़ेदार। ये बढ़िया से सक सक गया है। अब देखिए इसकी कितनी अच्छे से पर्दे खुली हुई हैं। हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए परांठे हैं ना उसको भी ऐसे ही सेक के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, कच्चे आलू के गर्मा गर्म परांठे बनकर तैयार हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। प्लीज़ जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।